नमस्ते। पाकिस्तान ने जिस तरह अफगान शरणार्थियों को धक्के मारकर देश से बाहर निकाला और जिस प्रकार तालिबान समर्थित टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है, वह दोनों पक्षों के बीच झगड़े की पराकाष्ठा को दर्शाता है। पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन से ही अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में आया था और 2 साल बाद मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन बम धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना बेबस होकर सिर्फ धमकी पे धमकी दे पा रही है। इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ती इस कलह ने धीरे धीरे पश्तून राष्ट्रवादी आंदोलन को नई गति दे दी है। पश्तून राष्ट्रवादी आंदोलन पिछले लंबे समय से शांत पड़ गया था, जो बड़े पैमाने पर अविकसित जनजातीय क्षेत्र में पश्तूनों के लिए एक एकीकृत मातृभूमि पश्तूनिस्तान की स्थापना की वकालत करता है। अफगानों की जो पश्तूनिस्तान की मांग है, उसमें पाकिस्तान नियंत्रित फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का निर्माण करते हैं, और आज की घड़ी इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। अफगानों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें पश्तून रहते हैं, वो अफगानों की ही जमीन है और वो पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को लेकर ही दम लेंगे। और यही वजह है कि अंग्रेजों के समय बनाए गए डूरंड लाइन सीमा रेखा, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है, उसे अफगान मान्यता नहीं देते हैं। तालिबान भी डूरंड लाइन को नहीं मानता है। काबुल से अमेरिका सेना की वापसी को इस्लामाबाद की रणनीतिक साजिशों का नतीजा माना गया और अमेरिका के प्रतिष्ठानों के अंदर इस हार की वजह पाकिस्तान को ही माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सोच ये थी कि उसकी मदद से सत्ता में आने वाला तालिबान उसके इशारों पर चलेगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मान रहा था कि तालिबान प्रशासन तहरीके तालिबान, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है, उसे नियंत्रित करेगा, लेकिन अफगान तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और अब स्थिति यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की व्यापक छतरी के भीतर पश्तून धार्मिक राष्ट्रवादी आतंकवादी समूह आ गए हैं, जो अब पाकिस्तान में हर दिन धमाके कर रहे हैं। टीटीपी समूह पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक भयानक खतरे के रूप में उभरा है, जिसकी वर्दी खुद पाकिस्तानी सेना की खराब नीतियों की वजह से हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश की है और इसके लिए पाकिस्तान ने जो खांचा खींचा, उसी खांचे से अब ऐसे आतंकी निकल रहे हैं जो पाकिस्तान में बम फोड़ रहे हैं। और अफगानिस्तान में राष्ट्रवादियों का एक ऐसा जमात तैयार हो गया है जो पश्तूनिस्तान की मांग के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पश्तून धार्मिक राष्ट्रवादी धाराओं में पश्तून मातृभूमि के निर्माण को लेकर बहुत आक्रामक भावना का विकास हुआ है, जिससे निपटना अब पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चुका है। पाकिस्तान भले ही तालिबान पर कितना भी दबाव क्यों न बना ले, तालिबान इस विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएगा। और इसकी भी 2 बड़ी वजह मौजूद है। एक वजह तो यह है कि तालिबान के अंदर ही एक बड़ा वर्ग है जो पश्तूनिस्तान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि चूंकि यह मामला अफगानों के इमोशन से जुड़ा है, लिहाजा तालिबान अपने देश की व्यापक भावना के खिलाफ जाने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अफगान तालिबान, जिसे 1994 में पाकिस्तान ने ही बनाया था, उसने कभी भी डूरंड लाइन सीमा की वैधता को स्वीकार नहीं किया है। पश्तून धार्मिक राष्ट्रवादी आंदोलनों को नियंत्रित करने पर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता आंतरिक रूप से एकीकृत पश्तून मातृभूमि की स्थापना की भावना के बारे में उसकी चिंता से जुड़ी हुई है, जिसे विभिन्न रूप से पश्तूनिस्तान कहा जाता है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में सरकार विरोधी हिंसा में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दर्जनों बम विस्फोट किए गए हैं। सितंबर 2023 में इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट में साल के पहले 9 महीनों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लगभग एक दशक में सबसे घातक हमले किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की मौत के अलावा सैनिकों की मौतें हुई है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 2023 के पहले 9 महीनों में कम से कम 386 कर्मियों को खो दिया। 137 सेना और 208 पुलिस कर्मी हमलों में मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार लगातार बढ़ती हिंसा के लिए टीटीपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि अफगान शरणार्थियों को टीटीपी के साथ भी जोड़ रही है।
ऐसे में कार्यवाहक सरकार ने अफगानों पर देश में आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकालने का काम शुरू किया। पिछले दो महीनों में लाखों अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान ने यहां तक घोषित कर दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वैधता के लिए अफगान तालिबान के मामले की पैरवी करना बंद कर देगा। इसने वास्तव में अफगान सरकार को इस्लामाबाद टीटीपी और संबद्ध समूह के साथ द्विपक्षीय संबंधों को चुनने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी सुरक्षा विफलताओं और हिंसा के लिए सीमा के दोनों ओर के पश्तूनों को जिम्मेदार ठहराया है और जेनोफोबिक निर्वासन अभियान शुरू किया है, जो इस समुदाय की एक स्पष्ट जातीय रूपरेखा के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और व्यापक सुरक्षा तंत्र का वर्षों से चरमपंथी समूह पर शासन करने में विफलता के लिए पश्तूनों को बलि का बकरा बनाने का इतिहास रहा है। यह विशेष रूप से पिछले दो दशकों के दौरान पाकिस्तान के विवादित जनजातीय क्षेत्र में उसके कई सैन्य अभियानों के दौरान प्रकट हुआ है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोग विस्थापित हुए और उन्हें बेघर कर दिया गया। 2017 की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह न केवल पश्तून जातीय समूह से संबंधित अपने नागरिकों की प्रोफाइलिंग कर रही है, बल्कि उन्हें केवल उनकी पोशाक, खाने की आदतों और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कैद कर रही है। इसके अलावा सिंध और पंजाब की प्रांतीय सरकारों ने 2014 में पश्तून समुदाय के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों पर हिंसक गतिविधियों में संभावित संलिप्तता का आरोप लगाकर उनकी स्थानीय सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। पश्तूनों के साथ पाकिस्तान में काफी अत्याचार किए गए हैं और उन्हें तमाम मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा गया है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया है और माना जा रहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और पाकिस्तान में नए सिरे से हमलों की बाढ़ आ सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।